हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्राचीन भारत इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लास्ट वीडियो में क्या देखे थे कि प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। ठीक है, आज का वीडियो जो है वह दक्षिण भारत के इतिहास पर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें चोल, चालुक्य, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे, पल्लव काल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। संगम युग क्या है? संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है संगोष्ठी। ठीक है, संगम मतलब होता है संगोष्ठी। किसकी संगोष्ठी? कवियों की संगोष्ठी हुई है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को कम सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दक्षिण भारत का इतिहास चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। तो संगम युग क्या है? एक बार प्रश्न आया था, ये जो कोन को मन्नन शब्द है, कोन को और मन्नन, कोन को और मन्नन, ये तीन जो शब्द हैं ये किससे संबंधित हैं, ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? तो ऑप्शंस थे उसमें, तो ऑप्शन जो था वो राजा के लिए जो प्रयुक्त होता है वही ऑप्शन सही था उसमें। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखनी कि कोन को मन्नन जो शब्द है वो राजा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कहाँ? संगम साहित्य में, संगमकालीन साहित्य में। ठीक है, आगे देखते हैं संगम का अर्थ क्या होता है। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठियां, और कवियों की जो गोष्ठियां हैं उन्हीं के दौरान, उन्हीं के बाद, उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ है कि संगम साहित्य की रचना की गई। तो संगम साहित्य की रचना कब हुई है? संगम संगोष्ठी जब होती है उसी टाइम पे जो साहित्य की रचना की गई, वही क्या है, संगम काल के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पांड्य राज्य, राजा लोग थे पांड्य राजा लोग, वो जब थे तो उनके टाइम पे ही तीन संगम हुए थे दक्षिण भारत में। तीन संगम हुए, और तीनों संगम जो है अलग अलग टाइम पर हुए, अलग अलग जगह पर, और अलग अलग लोगों की अध्यक्षता में हुए हैं। तो पहला जो संगम रहा है वो रहा है मदुरई में हुआ। कहाँ हुआ पहला संगम? मदुरई में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे कौन? अगस्त्य ऋषि। ठीक, दूसरा संगम हुआ है कपाटपुरम या फिर अलेवाई। कपाटपुरम या अलेवाई में दूसरा संगम हुआ है, और इसकी भी अध्यक्षता की थी किसने? अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है, फिर आता है तीसरा संगम। तीसरा संगम का स्थान रहा है मदुरई, और अध्यक्षता की है नक्कीरर ने। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और, दक्षिण भारत का जो आर्यकरण किया गया था, ठीक है, दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले और संगम साहित्य के जनक कौन है? अगस्त्य ऋषि। आर्यकरण भी किया इन्होंने, साथ में संगम साहित्य के जन्मदाता भी हैं। संगम साहित्य के जन्मदाता कौन भाई? अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का आर्यकरण किया किसने? अगस्त्य ऋषि ने, और संगम साहित्य के जनक भी कहे जाते हैं अगस्त्य ऋषि। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। मदुरई और अलेवाई या कपाटपुरम में दो संगम की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है इसमें क्या दिया गया है? ये दक्ष आर्यकरण का श्रेय जाता है अगस्त्य ऋषि को, और इन्हें तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता, तमिल साहित्य संगम साहित्य। ठीक है, चलिए, तोलकाप्यम ग्रंथ है,
तोलकापियम जो ग्रंथ है वो दूसरा जो संगम हुआ था उसका एकमात्र विशिष्ट ग्रंथ है तोलकापियम। तोलकापियम द्वितीय संगम का एक विशिष्ट ग्रंथ है, ठीक है, एक एक नहीं एकमात्र विशिष्ट ग्रंथ है द्वितीय संगम का। साथ में जो तमिल साहित्य में जो ग्रंथ मिले हुए हैं उनमें से सबसे प्राचीन भी माना जाता है क्या संग ये तोलकापियम। इसके रचनाकार लेखक रहे हैं तोलकापियर, और तोलकापियर जो थे वो कौन थे, अगस्त शिष्यों में से एक थे। तोलकापियर ने तोलकापियम की रचना की, और तोलकापियम दूसरे संगम साहित्य का एकमात्र विशिष्ट ग्रंथ है, साथ में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी है, वो किसका, तमिल साहित्य का, जो अभी तक उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, इतना चीज ध्यान हुआ। और तोलकापियर कौन थे, तोलकापियर अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। ठीक है, कैसा ग्रंथ है, ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है और साथ में काव्य शास्त्र भी है। व्याकरण ग्रंथ तो है, काव्य शास्त्र भी है, ठीक है, और इसकी जो रचना हुई है वो हुई है सूत्र शैली में। अगस्त ऋषि के 12 शिष्यों में से एक तोलकापियर ने तोलकापियम नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि दूसरे संग द्वितीय संगम का एकमात्र विशिष्ट ग्रंथ है। साथ ही तमिल साहित्य के जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें से सबसे प्राचीनतम माना जाता है। साथ में यह एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ होने के साथ साथ यह एक काव्य शास्त्र भी है, साथ में इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, आगे देखते हैं। अगला ग्रंथ है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम इलंगो अडिगल ने लिखा है। इलंगो अडिगल कौन है, चोल नरेश करिकाल के पौत्र हैं ये। तो चोल नरेश करिकाल के पौत्र इलंगो अडिगल ने शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। तो इलंगो अडिगल भाई कौन थे, चोल नरेश थे, करिकाल उनके थे पौत्र। ठीक, अब इसमें क्या कहा गया, देखिए कोवलन, कोवलन क्या है कि कोवलन है और कन्नगी दो लोग हैं इसमें, कोवलन है और कन्नगी हैं, इन दोनों के दुखद मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, तो किसके किसके, कोवलन जो कि एक पुहार या कावेरी पत्तन, पुहार या फिर कावेरी पत्तन के एक धनाढ्य व्यापारी हैं, ठीक है, वो धनाढ्य व्यापारी के पुत्र हैं। कौन, कोवलन, ठीक है, धनाढ्य व्यापारी के पुत्र हैं कोवलन, और उनकी पत्नी है कन्नगी। इन दोनों से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है, ये भी बात आपको क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं, कुरल साहित्य। कुरल क्या भाई, कुरल जो है तमिल, कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल और लघु वेद कहा जाता है। कुरल जो है तमिल साहित्य का बाइबिल है और साथ में इसको लघु वेद भी कहते हैं। इसके रचनाकार रहे हैं मुप्पाल, नहीं मुप्पाल नहीं रचनाकार हैं, कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है। तो कुरल को मुप्पाल भी कहा जाता है, तमिल साहित्य का बाइबिल है और लघु वेद भी कहा जाता है, मतलब लघु वेद की संज्ञा इसको दी गई है। साथ में इसके लेखक जो है वो है तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर ने कुरल नामक तमिल साहित्य की रचना की, जो कि तमिल साहित्य का बाइबिल और लघु वेद की संज्ञा दी गई है, साथ में इसको मुप्पाल भी कहा जाता है। और जो तिरुवल्लुवर हैं उनको ब्रह्मा का अवतार माना जाता है, कुरल को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ शासकों के बारे में भी देख लिया जाए।
कुछ शासकों के बारे में भी जानना जरूरी है, साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, इसी को कुरल को, किसको कुरल को क्या कहते हैं, तिरुक्कुलर, कुरल तिरुक तिरुक्कुरल भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना है। तो तिरुक्कुलर कुरल या फिर कुरल, दोनों ही नाम एक है। इसके रचनाकार रहे हैं तिरुवल्लुवर। तमिल साहित्य का बाइबल और लघुवेद की संज्ञा दी गई, साथ में मुप्पाल भी कहा जाता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते क्या है, आगे क्या है कि संगम साहित्य में एक चीज ध्यान रखना, संगम साहित्य में सिर्फ और सिर्फ चोल, चेर और पांड राजाओं का ही विवरण मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें ना हो। चलिए अब देखते हैं क्या है, सिंह विष्णु के बारे में देखते हैं। तो सिंह विष्णु कौन थे, सिंह विष्णु जो हैं वो पल्लव शासक हैं। सिंह विष्णु कौन है, पल्लव शासक हैं। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की, किस चीज की, अवनी सिंह की उपाधि धारण की सिंह विष्णु ने। यहाँ पे चोल, पांड, सिंघल और क्या है, कलम्र, साफ नहीं दिख रहा, ये कलम्र है, क ल मर कलम्र, ठीक है। तो चोल, पांड, सिंघल और कलम के राजाओं को इन्होंने क्या किया, पराजित किया है। और ये कहाँ पे मिलता है, कशाकुदी एक दान पत्र है, कशाकुदी एक दान पत्र है जिसमें बताया गया है कि सिंह विष्णु ने, जो कि पल्लव शासक भी हैं, अवनी सिंह की उपाधि धारण किए थे, चोल, पांड, सिंघल और कलम्र के राजाओं को क्या किया, इन्होंने पराजित किया था, ठीक है। आगे है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी, ये हमने कल भी बताया था, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना। चलिए आगे देखते हैं, परमेश्वर वर्मन प्रथम है एक, अब परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं कुछ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हो सकता है प्रश्न आ जाए। तो परमेश्वर वर्मन जो प्रथम थे उनकी उपाधियां क्या थी, एक तो है लोकादित्य, दूसरी है एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुड़ भाजन, इनकी क्या है उपाधियां हैं, उपाधियां किसकी, परमेश्वर वर्मन प्रथम की उपाधियां हैं, ठीक है। चलिए ये भी होगा, अब देखते हैं। अच्छा, तमिल साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि तमिल प्रदेश का जो भूभाग है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो तमिल प्रदेश का जो भूभाग है वो कहाँ से कहाँ तक है, एक तरफ तो है कृष्णा, तुंगभद्रा नदी, एक तरफ है कृष्णा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, और दूसरी तरफ है कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, ठीक ना। एक तो है उधर ऊपर है कृष्णा तुंगभद्रा नदी और नीचे कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ क्षेत्र जो था वो तमिल प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मत्त विलास प्रहसन के बारे में जानते हैं क्या है। तो मत्त विलास जो प्रहसन है वो है एक हास्य ग्रंथ है, हास्य ग्रंथ है क्या, मत्त विलास प्रहसन लेखक है इसके महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन ने एक हास्य ग्रंथ की रचना की जिसको मत्त विलास प्रहसन कहा जाता है, ठीक है। हमने अभी ऊपर बता दिया था पहले ही कि चोल, चेर, पांड राजाओं का विवरण मिलता है, विकास का विवरण मिलता है, ठीक है। चलिए बृहदेश्वर मंदिर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, बृहदेश्वर मंदिर है। अब बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर का शैव मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, तंजौर का शैव मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। निर्माण किया था राज राज प्रथम के समय में हुआ था, जो कि कौन है,
चोल शासक हैं ये, ठीक है। तो राजराज प्रथम चोल शासक हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि उत्तरी सिंघल को जीता और जीतने के बाद अनुराधापुर को क्या किया, राजधानी बनाए थे। नाम कुछ और रखे थे, अब वो ध्यान नहीं, लेकिन उत्तरी सिंघल को क्या किया, इन्होंने जीत लिया था। इन्हीं के पुत्र हुए राजेंद्र प्रथम, जिन्होंने क्या किया कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया था, और पूरे सिंघल द्वीप को क्या किया उन्होंने, अपने कब्जे में कर लिया, अपने राज्य में उसको मिला लिया था, ठीक है। चलिए, ये हम कल ही बता चुके थे, तो इसलिए इसको बताने की आज जरूरत नहीं है। चोल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर चोल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, साथ में द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। तो द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण के साथ साथ चोल स्थापत्य का भी उत्कृष्ट नमूना माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर। और मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश में विशालतम प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिमा नहीं लिखे, लेकिन यहाँ बीच में क्या होगा, प्रतिमा होगी, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे देखते क्या है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है तमिल प्रदेश के बारे में कि कृष्णा तुंगभद्रा उत्तर में है, कुमारी अंतरिप दक्षिण, यहाँ तक विस्तृत क्षेत्र था ये। और कोरोमंडल, उरैयूर, कावेरी पत्तनम पत्तनम तंजावुर जो है, ये चोलों के अधिकार में थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य की अगर बात करें तो चोल साम्राज्य का संस्थापक रहा है विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन, विजयालय है। और राजधानी क्या थी इनकी, तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम। क्या है, तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम जो थी चोलों की राजधानी रही है, ठीक है। ठीक है, आगे है संगम काल में जो राजधानी रही, मतलब संगम काल जब चल रहा था तब जो चोलों की राजधानी हुआ करती थी वो थी उरैयूर, ठीक है। और चोल काल की जो चोल आधिपत्य की जो स्थापना हुई मानी जाती है वो परांतक फर्स्ट ने की थी। चोल आधिपत्य की स्थापना हुई थी वो परांतक फर्स्ट से मानी जाती है, जो कि मदुरा के पांड राजा को हराया इन्होंने और मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। तो मदुरै के राजा को किसने हरा, कौन हरा रहा है, परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट ने क्या किया, मदुरै कोंड की उपाधि धारण किया। और एक काम ये कि चोल आधिपत्य की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते क्या है, राजराज प्रथम। अब राजराज प्रथम के बारे में भी देख लेते क्या है कि राजराज प्रथम ने क्या किया, सबसे पहले चेरों की सेना को कंडलूर में हराया था। चेर, चोल, चेर और पांडे तीन राजा हैं संगम साहित्य में। तो उन्होंने, राजराज प्रथम ने सबसे पहले कंडलूर के युद्ध में, कौन से युद्ध, कंडलूर के युद्ध में चेर को पराजित किया था, चेरों को पराजित किया था, ठीक है। और दूसरी चीज, राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया इन्होंने, ठीक है, वो भी अभी पढ़ लिए। अभी बताए थे हम कि राजराज प्रथम ने क्या किया, सिंघल, सिंघल मतलब आज का श्रीलंका, आज के श्रीलंका उस समय के सिंघल पर इन्होंने आक्रमण किया। और उत्तरी सिंघल द्वीप पर क्या किया, इन्होंने अधिकार कर लिया और उसको अपने राज्य में मिला भी लिया। मिलाने के बाद शांत नहीं रहे, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अनुराधापुर को नष्ट कर दिया, साथ में पोलो नरुआ को राजधानी बनाया और इसका नाम रखा जननाथ मंगलम। तो भैया अनुराधापुर को नष्ट किया किसने, राजराज प्रथम ने। फिर पोलन नरुआ को राजधानी बनाया और उसका, पोलन नरुआ का नाम इन्होंने रखा, क्या नाम रखा, जननाथ मंगलम, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई राजराज प्रथम के बारे में, ठीक। आगे देखते हैं क्या है, आगे हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम कौन है, ये शिक्षा के महान प्रसरदाता हैं और इनको पंडित चोल भी कहा जाता है। शिक्षा के महान प्रसरदाता रहे कौन, राजेंद्र प्रथम, और साथ में पंडित चोल जो है इनको कहा जाता था। राज राज प्रथम के पुत्र थे, तो राज राज प्रथम के पुत्र थे, तो
तो पिता की जो साम्राज्यवादी नीति थी, जैसे उन्होंने उत्तरी सिंहलद्वीप को अपने कब्जे में किया, अनुराधापुर को नष्ट किया, फिर होलो नरुआ को राजधानी बनाया, नाम रखा उसका जननाथ मंगलम, उसी तरह इन्होंने भी अपनी साम्राज्यवादी नीति को क्या किया, बढ़ावा दिया। मतलब अपने पिता की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसी पर ये चले। अब ये जो चलते हैं तो बढ़ाया भी इन्होंने अपने साम्राज्य को, इसीलिए इनके काल को, किसके काल को, राजेंद्र प्रथम के काल को चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष काल भी कहा जाता है। तो भाई राजेंद्र चोल के समय को चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष काल भी कहा जाता है। हमने बताया था बंगाल की खाड़ी को चोल जेल में का स्वरूप दिया, इन्होंने संपूर्ण सिंहलद्वीप को जीत कर चोल साम्राज्य में मिलाया। साथ में ये गंगा का जल लेने के बहाने, गंगा का जल लेने के बहाने क्या किए राजेंद्र प्रथम, उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण करके इन्होंने पाल शासक को पराजित किया। पाल शासक उस समय कौन था? पाल शासक, जब राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया उत्तर पूर्वी भारत पर, तो उस समय पाल शासक था महीपाल। तो महीपाल को इन्होंने हराया भी, और उपाधि क्या रखी, पालभंजन। चलिए, पालभंजन है गंगईकोंड की उपाधि धारण की इन्होंने। किस चीज की उपाधि धारण की? गंगईकोंड की उपाधि धारण की, और गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना भी की थी इन्होंने। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना भी की थी इन्होंने, समझ गए। तो गंगईकोंड की उपाधि धारण करके गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने, और साथ में महीपाल जो पाल शासक थे उनको हराया भी था। चलिए ठीक है, देखते हैं। ये दिया है इसमें, बहरहाल वो हम पहले ही बता दिए आपको। आगे हैं कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम कौन है? अब कुलोत्तुंग जो प्रथम है, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो राजेंद्र प्रथम थे उन्होंने एक तालाब का निर्माण भी करवाया था, नाम रखा था उसका। जिस तालाब का निर्माण करवाया राजेंद्र प्रथम ने, उसका नाम था चोल गंगम। तो चोल गंगम क्या भाई? चोल गंगम राजेंद्र प्रथम के द्वारा उत्तर पूर्वी भारत अभियान के दौरान महिपाल शासक को पराजित करने के बाद एक स्थापित किया गया तालाब का नाम है। ठीक है, जो कि किसके लिए स्थापित किया गया रहा होगा? सिंचाई के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो रहे, यहीं से विघटन प्रारंभ होता है। चोल काल में क्या होता है कि यहीं से विघटन अब प्रारंभ होने लगता है। किसके टाइम से? कुलोत्तुंग प्रथम के समय से। वहां का एक राजा है इनके कुलोत्तुंग प्रथम के समय पे, जिसका नाम है विजय बाहु। तो विजय बाहु ने क्या किया, इनके जैसे राजेंद्र प्रथम रहे, राजराज प्रथम रहे, तो उन्होंने क्या किया, कब्जा किया, आक्रमण किया। लेकिन जब शासन आता है कुलोत्तुंग प्रथम का, तो सिंहलद्वीप का एक राजा है विजय बाहु, उसने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया, और साथ में अपनी अपने अपने पुत्र, मतलब कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह किया सिंहल राजकुमार वीरप पेरुमाल से। तो भाई कुलोत्तुंग प्रथम ने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी कर दी वीरप पेरुमाल के साथ, जो कि सिंहल का राजकुमार था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे कुलोत्तुंग प्रथम के समय पर ही 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। फिर तो कुलोत्तुंग प्रथम के समय में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनमें से एक ये भी है कि 72 सौदागरों का एक दूत, चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था, ये भी ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है कि सुंगम तवीर्त अर्थात करों को हटाने वाला इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंगम तवीर्त, या फिर करों को हटाने वाला। संज्ञा किसको दी गई? कुलोत्तुंग प्रथम को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चोल प्रशासन कैसा था भाई।
ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तो चोल प्रशासन कैसा है आपको पता है कि उत्तर से में तुंगभद्रा, दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ क्षेत्र है। साम्राज्य जो है प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में बटा हुआ था। साम्राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांत में बटा हुआ है और प्रांतों को कहा जाता है मंडलम। क्या कहा जाता है? मंडलम। अब मंडलम को भी कई भागों में बांटा गया। तो मंडलम को जो भागों में बांटा गया वो थे कोट्टम या फिर वलनाडु। प्रांतों को बांटा गया, प्रांतों को कहा जाता था मंडलम। 6 प्रांत थे, 6 प्रांतों को फिर बांटा गया कोट्टम या फिर वलनाडु में। और फिर वलनाडु जो क्या था, कमिश्नरियों की तरह होता था। ठीक है, दूसरी चीज फिर उसके बाद क्या है कि कोट्टम जो है नाडु में विभाजित हुआ। कोट्टम क्या है, नाडु में विभाजित हुआ। तो ध्यान रखना है प्रांत रहे, प्रांत के बाद वलनाडु या फिर कोट्टम आए, कोट्टम फिर नाडु में बटे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। और जो नाडु था वो क्या था, आज के जिलों की तरह, आज जैसे जिले होते हैं उसी तरीके से कोट्टम जो ये आपका नाडु जो था वो जिले की तरह था, और वलनाडु या फिर कोट्टम जो था वो कैसा था, कमिश्नरियों की तरह था। ठीक है, नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था। क्या? नाटार, नाटार। तो नाडु की जो सभा होती थी उसको बोलते थे नाटार। ठीक है, ये इस तरीके से था। सबसे ऊपर क्या है, यहाँ तो राजा बैठा हुआ भाई, ये राजा है। अब ये क्या है, प्रांत या मंडलम हुआ। मंडलम को कोट्टम और नाडु में बांटा गया, मंडलम या कोट्टम या वलनाडु को नाडु में बांटा गया। और नाडु जो था वो क्या था, ग्राम संघ हुआ करता था। ठीक है, तो ग्राम सभा जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की कौन सी है, ग्राम सभा। ठीक है, और नगरम जो होता था वो होता था व्यापारियों की सभा होती थी। ध्यान रखना है, नगरम जो था वो व्यापारियों की सभा थी, और गांव को ग्राम संघ को, ग्राम संघ को क्या बोलते थे, कुर्रम कहा जाता था। तो सबसे ऊपर राजा, फिर उसके बाद प्रांत, फिर उसके बाद वलनाडु या कोट्टम, कोट्टम के बाद क्या है आपका नाडु, नाडु के बाद क्या है कुर्रम, कुर्रम को बोलते थे ग्राम संघ, और ग्राम संघ के नीचे आता था बिल्कुल ग्राम। ठीक है, इस तरीके से इनका प्रशासन चलता था ऊपर से नीचे तक। ठीक है, चलिए, ग्राम प्रशासन में जो ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति होती थी उसकी कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरुर अभिलेख में मिलता है। जो ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा होती थी उसका जो काम करने का तरीका होता था, उनकी जो कार्यप्रणाली होती थी वो उसका विवरण जो है उत्तर मेरुर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है कि चोलकालीन जो गांव थे उनके गतिविधियों की देखरेख के लिए कार्यकारिणी समिति नियुक्त की गई थी जिसको बोलते थे वारियम। तो चोलकालीन गांव की देखरेख कौन कर रहा है, एक समिति के माध्यम से किया जाता था, नाम उसका रखा गया वारियम। ठीक है, वारियम। ठीक है ना, अब देखिए, अब वारियम जैसे ग्राम प्रशासन को काम को देखता है उसी तरीके से उद्यान प्रशासन की देखरेख करता है टोटवारियम। उद्यान प्रशासन को कौन देख रहा है, टोटवारियम। इसी तरीके से वार्षिक समिति होती थी, नाम था संबत सर्वारियम, जो समिति बनाई गई थी वार्षिक समिति। ठीक है, इसी तरीके से तालाब समिति का नाम एरीवारियम, स्वर्ण समिति को पोनवारियम। तो एरीवारियम, पोनवारियम, संवत्सरवारियम, टोटवारियम और वारियम। वारियम है ग्राम सभा, टोटवारियम उद्यान प्रशासन, वार्षिक समिति, संवत्सरवारियम तालाब समिति, एरी एरी वारियम, स्वर्ण समिति को पोनवारियम बोला जाता था। ठीक है, चोलों राजाओं ने क्या किया कि चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। इसके लिए प्रसिद्ध थे क्योंकि राजेंद्र प्रथम चोल ने अगर बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील किया तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो जल सेना थी,
वो बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। अब इसमें कौन कौन थे, अश्व थे, गज थे, हाथी और पैदल सेना इसमें शामिल थी। ठीक है, और अपनी इस शक्तिशाली नौ सेना की सहायता से इन्होंने श्री विजय, सिंघल और मालदीव पर क्या किया, इन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है, अब आगे क्या है कि चोल राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, ये प्रश्न आ चुका है। यही नहीं प्रश्न आया है, ये जो वारियम हमने अभी बताया आपको, पौन वारियम, अरि वारियम, तोट वारियम, ये सब क्या है, इन सब के बारे में भी प्रश्न आ चुका है पहले, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, एक चीज और, चोलों ने क्या किया था, चोलों ने शिव की दक्षिणा मूर्ति, सॉरी, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा स्थापित की। शिव की दक्षिणा मूर्ति, दक्षिणमुखी या दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा स्थापित की। और ये दक्षिणा मूर्ति जो प्रतिमा है, प्रश्न आ चुका है यूपीएससी में ये, कि दक्षिण दक्षिणमुखी जो शिव की प्रतिमा है वो किसका संकेत करती है, तो वो जो है गुरु का संकेत कर रही। वो उन्होंने क्या किया, उस दक्षिणमुखी दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा को गुरु के रूप में स्थापित किया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब चोल साम्राज्य के अंत की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनानायक था, नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने क्या किया, जब दक्षिण विजय का अभियान इन्हें इनने छेड़ा, तो उसी समय इन्होंने चोल साम्राज्य को का अंत कर दिया था। ठीक है, और इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है अमीर खुसरो की ये किताब है जिसका नाम है खजाइन उल फुतुह। तो अमीर खुसरो की किताब है खजाइन उल फुतुह में चोल साम्राज्य का अंत अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर के द्वारा किया गया है, ऐसा उसमें बताया गया था। ठीक, अब देखते हैं चोल कला। चोल कला की अगर बात करें तो चोल कला में क्या था कि कलाकारों ने क्या किया, तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। तक्षणी खुरचनी हमने बताया था पाषाण काल, तो तक्षण क्या है कि तक्षण खट 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 करके नक्काशी की जाती है। ठीक है, तो वो तक्षण कला में निपुण थे। दूसरी चीज है कि धातु व पत्थर की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया इन लोगों ने, किन्हें, चोल काल में। चोल राजाओं ने क्या किया कि धातु व पत्थर की मूर्तियों का निर्माण किया था। ठीक है, आगे देखते क्या है, इसमें जो सबसे सुंदर मूर्ति दिखती है वो है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति मतलब शिव की मूर्ति, ये इस पे भी प्रश्न आ चुका है पहले। तो नटराज जो शिव की मूर्ति है उनमें सबसे सुंदर है, जो कि धातु और पत्थर से बनाई गई मूर्तियां रहेंगी बहुत सारी, उनमें से एक है सबसे अच्छी, जो कि नटराज की मूर्ति जो शिव से संबंधित है। ठीक, इसमें क्या है, चार भुजाएं हैं। क्या है, चार भुजाएं हैं। दूसरी चीज, जो नटराज की मूर्ति वो बहुत बड़ी संख्या में मिली, मतलब बहुत ज्यादा है वहाँ। ठीक है, तो शिव की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल है ये नटराज की मूर्ति, साथ में ये चतुर्भुज मूर्तियां, हमने बताया था चार भुजाएं हैं नटराज की। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। चलिए चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं। क्या भाई चालुक्य हैं, तो चालुक्य वंश क्या रहे, इनकी राजधानी रही बादामी या फिर वातापी, बादामी वातापी इनकी राजधानी रही। संस्थापक रहा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वास्तविक संस्थापक था चालुक्य वंश का। ठीक है, और सबसे नहीं, पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम जो था वो क्या था, चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ में एक चीज ये भी ध्यान रखना कि सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक अगर कोई हुआ चालुक्य वंश में तो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कौन, जिसने
हर्षवर्धन को क्या किया था, नर्मदा को पार होने से रोक दिया था। वही है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसमें देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो सबसे योग्य और शक्तिशाली था, इसके बारे में ऐहोल अभिलेख में पता चलता है। रचनाकार रहे हैं, ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है, तो ऐहोल अभिलेख के रचनाकार हैं रवि कीर्ति। ठीक है, चालुक्य वंश में क्या हुआ कि महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं की को सम्मान मिला है चालुक्य शासन में। और उधर हमने एक बताया था सातवाहन काल में, जो कि कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसे लोग रहे, तो वो अपनी माँ का नाम लगाते थे अपने पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो गौतमी का लड़का कौन, सातकर्णी। इस तरीके से तो महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया किन लोगों ने, चालुक्यों ने। साथ में एक है मातवालिन, मातवालिन कौन भाई, मातवालिन जो है वो चीनी यात्री हैं, मातवालिन चीनी यात्री हैं। इन्होंने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का वर्णन किया है। चीन भारत के संबंधों का वर्णन चालुक्यों के शासनकाल में किसने किया है, तो नाम है मातवालिन, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं अरिका मेडू एक है, क्या है अरिका मेडू। अरिका मेडू जो है वो आपके पूर्वी तट पर कोरोमंडल, पूर्वी तट पर है और कोरोमंडल तट पर है स्थित है। कहाँ पे है, कोरोमंडल तट पर स्थित है अरिका मेडू। ठीक है, साथ में पेरिप्लस में इसको पोडुके कहा गया है। अरिका मेडू को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक किताब में पोडुके नाम लिया गया है, पोडुके बताया गया है। ठीक है, दूसरा है ईसा की जो प्रारंभिक शताब्दियां थी उस समय यहाँ पे रोमन बस्तियां हुआ करती थी अरिका मेडू में। तो ध्यान रखना कि ये प्रश्न भी आ चुका है कहानी के रूप में, कि यहाँ पे इधर उधर हम रोमन बस्तियां देख सकते हैं। फिर पेरिप्लस में पोडुके नाम से विख्यात था, जो कि चोलों के समय का प्रसिद्ध क्या है, स्थल है, चोल या चालुक्य के। तो आपको पता होना चाहिए नाम है उसका अरिका मेडू। ठीक है, तो ये पहले भी आ चुका प्रश्न, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या होता था, यहाँ से शराब के कलश मिले उन्हें जो दो हत्थे वाले हैं, अरिका मेडू से, अरिका मेडू से शराब के कलश मिले हुए हैं जो कि दो हत्थे वाले हैं। यहाँ से रोमन लैंप, रोमन ग्लास भी मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है ये अरिका मेडू के बारे में बताया जा रहा है, जिसको पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में क्या कहा गया, पोडुके। ठीक है, एक है एम्फोरा जार, ये भी प्रश्न आ चुका है एम्फोरा जार के बारे में। लंबी संकीर्ण गर्दन वाला, दो तरफ से हत्थे लगे हुए, ऐसा कुछ है ना, देखते हैं क्या है। देखिए एम्फोरा जार है, तो एम्फोरा जार क्या है भाई, लंबी संकीर्ण गर्दन वाला एक बर्तन है जिसमें दोनों तरफ हत्थे लगे हुए हैं। ठीक है, प्राचीन काल में इसका प्रयोग किसके लिए होता था, तेल व शराब को रखने के लिए। ठीक है, तो तेल व शराब, शराब को पहले से भी सहेजा जा रहा था, तो तेल और शराब को रखने के लिए एम्फोरा जार का प्रयोग करते थे, जो कि संकीर्ण लंबी गर्दन वाला तो हत्थे वाला जार था। ठीक है, एक है कम्बन, कम्बन टिक्कन नन्नय, इन सब का नाम सुना होगा। तो कम्बन जो है उन्होंने तमिल रामायणम या फिर रामावतारम की रचना की है। इसका टाइम पीरियड रहा है 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में कम्बन ने तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना की है, की थी, की है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जो मणिग्रामम क्या है, शब्द है मणिग्रामम, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखा करें, जिससे आपके क्या होंगे,
कीवर्ड्स तैयार होंगे, ठीक है। वलंजियर, वलंजियर तो मणिग्रामम और वलंजियर क्या भाई, ये होते थे दक्षिण भारत में व्यापारियों के संगठन को बोलते हैं। ये प्रश्न आ चुका है मणिग्रामम के बारे में, ठीक है। वलंजियर पे अभी तो नहीं ध्यान है, लेकिन हो सकता है प्रश्न फिर से आए। तो व्यापारियों का संगठन था वो भी दक्षिण भारत में, जिसको मणिग्रामम और वलंजियर बोलते थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे है उरायूर के बारे में। उरायूर क्या भाई, उरायूर जो है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है उरायूर। उरायूर हमने क्या बताया था, संगम काल में चोलों की राजधानी हुआ करता था उरायूर, जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो संगमकालीन प्रमुख नगर था ये, अब पता चला कि संगमकालीन प्रमुख नगर था, तो चोलों ने इसको अपनी राजधानी बना रखे थे जब संगम काल चल रहा था, ठीक है। तो कारी और वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध है ये, इसको कारी भी बोलते हैं, वाराणम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सूती वस्त्रों का, सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था, और यह चीज आपको पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में मिलेगा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में बताया गया है कि उरायूर जो था वो सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पांड्य राज्य के बारे में भाई। अब पांड्य राज्य के बारे में कैसे देखते हैं क्या है, तो पांड्य राज्य के बारे में क्या है भाई, तो पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा मानी जाती थी वो वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी है, वेंगी नदी को माना जाता था। कावेरी के दक्षिण में स्थित है पांड्य राज्य। कावेरी कहाँ है, तमिलनाडु, जो अभी हमने बताया कि उरायूर इसी किनारे बसा हुआ है। तो कावेरी के दक्षिण का जो भाग है वो क्या है, पांडव का क्षेत्र है, ठीक है। मैप में आप देखेंगे तो चोल चेर पांड्य इस तरीके से आप त्रिकोण बनता है, त्रिकोण बनता है, त्रिभुज की आकृति बनती है इसमें, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक पहले चोल, फिर चेर, फिर पांडे, तो ये आप उठाएंगे, चोल रखेंगे कहाँ पे, पूर्वी तट पे, और पांडे को भी रखेंगे पूर्वी तट पर ही, ठीक है। चलिए देखते हैं राजधानी रही मदुरा। मदुरा रही राजधानी पांड राजाओं की। वेंगी नदी का क्षेत्र जो था वो अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए ये जो है पांडवों की जीवन रेखा मानी जाती थी। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड शासक थे जयंत वर्मन ने क्या किया, वान मन की उपाधि धारण की। इन्होंने क्या किया, चेर राजा जो थे, पांड शासक थे जयंत वर्मन, पांड शासक हैं जयंत वर्मन ने वान मन की उपाधि धारण की, वो भी कब की, जब इन्होंने चेरों को पराजित किया था। चेरों के को पराजित करने के बाद जयंत वर्मन ने वान मन की उपाधि धारण की। और साथ ही दूसरा है कि पल्लवों के विरुद्ध जब सफलता पाई, किसने, मारवर्मन ने, पांडव के खिलाफ सफलता पाए हैं कौन, जयंत वर्मन, तो वानवन की उपाधि धारण की है। अब पल्लवों के खिलाफ जब सफलता मिलती है मारवर्मन को, तो नाम रखते हैं पल्लव भंजन। तो पल्लव भंजन किसको कहा जा रहा है, मारवर्मन, मारवर्मन को, क्यों, क्योंकि उन्होंने पल्लवों को हराया, पल्लवों को हराने में सफल हुए। इसी तरीके से वानवन कौन है, जयंत वर्मन। जयंत वर्मन क्यों है वानवन, क्योंकि उन्होंने किसको हराया था, चेरों को हराने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देख लेते हैं क्या है, कुछ मंदिर के बारे में भी देख लें। तो मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर पांडव ने मदुरई में करवाई थी इसकी स्थापना। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडव ने कहाँ करवाई है, मदुरई में। और मीनाक्षी अपने 56 तक्षित स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, 56 संगीतमय तक्षित
स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये संगीतमय स्तंभ क्या भाई, 56 संगीतमय तक्षित स्तंभ क्या है मीनाक्षी मंदिर? तो ध्यान ये रखना है कि इनके हर एक खंभे, हर एक पिलर में आप जब आवाज लगाएंगे, अपने हाथ से जब मारेंगे थोड़ा सा, तो हर एक पिलर से अलग अलग तरीके की आवाज आती है। ठीक है, वही है 56 तक्षित संगीतमय स्तंभ, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो 56 तरीके की आवाज निकलती है, 56 है तो 56 तरीके से निकलेगी। चलिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में बंदरगाहों की एक सूची मिलती है। इसमें पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा है, तोंडी है, मुसिरी है, नेलिसंदा है। पश्चिमी तट के हैं, पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन है जो कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में बताया गया है? तो नाम है नौरा, तोंडी, मुसिरी और एलिसंडा, इतना ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कदम्ब राजवंश भी रहा है, थोड़ा सा ही रहा, ज्यादा नहीं। अब कदम्ब राजवंश जो है संस्थापक रहा मयूर शर्वन, मयूर शर्मन कदम्ब राजवंश का संस्थापक है, राजधानी रही इनकी वनवासी। मयूर शर्मन कदम्ब राजवंश का संस्थापक है, राजधानी रखा इसने वनवासी को। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो कौन है, शासक है, और चालुक्यों की प्रतिष्ठा को स्थापित करना सबसे योग्य, सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, तो उसने क्या क्या काम किए देखिए, इसने कदम्ब राजवंश को हराया, इधर हर्षवर्धन को भी रोका, तो इसने जो है अपनी सीमा को सुरक्षित रखा और अपने साम्राज्य का विस्तार भी साथ में किया था। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी इसकी अधिक से अधिक हो सके। साथ में ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहेगी, और अगर कुछ भी आपको लगा तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर कमेंट करके आप बताएंगे कुछ गलत है, कुछ गलती हुई है, तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।